गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो गया है और अभी नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारा 7.4 जो कंग्रुएंसी का थर्ड कंडीशन है। कंग्रुएंसी का थर्ड कंडीशन है थ्योरम 7.4। आपको पता है पहला जो कंडीशन है SAS वो हमारा एग्जिम है, दूसरा ASA उसको प्रूफ कर चुके हैं। अभी जो थर्ड कंडीशन है हमारा उसका कर चुके हैं SSS। क्या क्या है हमारा कंडीशन? SSS, साइड को प्रूफ करना है हमें कि दो ट्रायंगल कैसे कंग्रुएंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, 7.4 का स्टेटमेंट लिखेंगे बुक से। स्टेटमेंट क्या है? इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, वो जो ट्रायंगल हमारा ABC पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल हमारा DEF, इसका जो कोरस्पोंडिंग साइड है, दोनों ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग साइड है वो इक्वल है, मींस AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। आपको पहले बताया SAS जो हमारा है वो एग्जीम है, वो पहले से ही प्रूफ है, और दूसरा कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इन्हीं दोनों कंडीशन का यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम प्रूफ दिखाएंगे। प्रूफ क्या दिखाएंगे? कंग्रुएंट। क्लियर है? अब देखो प्रूफ कैसे दिखाओगे। आपके पास दो कंडीशन है, SAS और ASA या AAS। क्लियर? तो हम जो हमारा मेन है SAS, यहाँ पे हमारा केवल साइड दिया हुआ है, केवल साइड दिया हुआ है इक्वल है। तो यहाँ पे इजी क्या होगा कि अगर कोई एक एंगल इन दोनों ट्रायंगल में कोई एक कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट वाला जो कंडीशन अप्लाई करके इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप, सेकेंड ट्रायंगल में पॉइंट ई से इस एंगल के इक्वल आप इधर एंगल ड्रॉ करेंगे। समझ में आया क्या करना है? पॉइंट ई से एंगल ए बी सी के इक्वल इसके नीचे ई एफ के नीचे आप एंगल ड्रॉ करेंगे। क्लियर? कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? We construct an angle equal to angle ABC from E. From E से आप angle ABC के equal आप क्या करेंगे? Angle draw करेंगे। क्लियर हो? अब वो एंगल होगा क्या? सपोज ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? जी है। ये हमारा पॉइंट क्या है? जी है। ये हमारा पॉइंट जी है। क्लियर है? वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल, नाम लिख सकते हैं यहां पे एन एंगल में क्या नाम लिखे, एफ ई जी एच जी एफ जी ई एफ GEF, we construct an angle GEF equal to, we construct an angle which is GEF, which is equal to, थोड़ा सा टेंस क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो, वो किसके इक्वल है? एंगल ABC के इक्वल है। एंड और क्या करना है? AB इज इक्वल टू
here, easy. 8 is equal to clear हो गया? Construction में दो काम करना है आपको, एक A B C के equal angle draw करना है और इसके equal ये होता है. A B is equal to क्या हो जाता हमारा G B, clear? एक line से इसको equal दिखा रहा है, so कर रहा है equal हो गया. And now इसी में थोड़ा सा कर देंगे, now join G to F. G को F से मिला दो गया है, बस ये काम चल रहा है. कंस्ट्रक्शन के लिए आए, कोई डाउट तो नहीं है? कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको? एंगल ए बी सी के इक्वल आपको एंगल ड्रॉ करना है G से, उस एंगल का जो नाम होगा जी ई एफ होगा और ए बी के इक्वल ही जी एफ है, ये कंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान रखना है. क्लियर? अब देखिए क्या होता है, प्रूफ. अब क्या करना है आपको? प्रूफ करना है. कोई एक एंगल अगर दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो जाता है, मतलब दो एंगल इक्वल जो कर देते हैं दोनों ट्रायंगल में, तो हम यस एस वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सारे क्यों है, ये गिवन है ऑलरेडी. तो एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, जी ई एस, क्लियर है? हमने ए बी सी लिया और जी ई एस लिया. देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो है वो किससे इक्वल है? जी इक्वल है. ए बी इक्वल टू जी, ये क्या है हमारा बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन किया है बीस पार में, क्लियर है? दूसरा देखें आप, और ये एंगल देखिए कर रहा है ए बी सी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ, यहां एक लिख रहे हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ, जी ई एफ ये जी है जी ये भी क्या हो जाएगा हमारा बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, क्लियर है? हम जरा स्टेटमेंट को इरेज कर रहे हैं, ये गिवन थिंग्स आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो प्रूफ भी पता है आपको, इसलिए मिटा रहे हैं इसको. ठीक है, अभी थर्ड कंडीशन में बता रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू जी बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल जी एफ बाय कंस्ट्रक्शन, और एक और चीज दोनों में इक्वल है वो क्या हमारा, बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी हमारा क्या है इवन. तो देखिए जरा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ कंग्रुएंट हो जाएगा. जी ई एफ क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट हो जाएगा हमारी S-A-S से. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आपको? बताओ, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, काफी इजी है, थोड़ा सा आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन. क्लियर? अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो चलो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, AC इस तरह क्या हो जाएगा हमारा GF, एसी इज इक्वल टू जी एफ होगा. अरे भाई ये साइड इक्वल हो जाएगी, क्लियर है? और क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एसी इज इक्वल टू जी एफ हो गया, साइड इक्वल हो गई. एक और चीज देखा क्या इक्वल होगा, एंगल ए, एंगल ए ये एंगल इस एंगल में इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी बाय सिंप्लिसिटी. और क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू
एंगल जी एफ ई बाई सी सी सी। क्लियर हुआ क्या? इस एंगल के इक्वल ये एंगल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा अभी देखते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके बेटा, इसको हम कंस्ट्रक्शन एंगल कर रहे हैं, आप अच्छे से देखते हैं। एंगल ए कर्व पे एंगल जी हो गया है। अब क्या करना है? अब ये एंगल इसके इक्वल मिला है, हम शो करेंगे कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। कैसे कैसे शो करेंगे? देखो आप इसी में बी कंस्ट्रक्शन, बी ज्वाइन बी टू जी या जी टू बी, जी टू बी। हम जी को और बी से कंस्ट्रक्शन में लिख सकते, इसको अपने कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा, आप देख सकते थे इसको अपने क्या कर दिया, क्लियर है? क्लियर है जी टू डी। अब देखें इसको मिटा रहे, इसको मिटा रहे, अब देखें तरह इन ट्रायंगल कॉस ट्रायंगल में ईडी जी पे देखिए जरा, ट्रायंगल ईडीजी, ईडीजी किस टाइप का ट्रायंगल है बताएगा कोई? ट्रायंगल ईडीजी इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ईडी इज इक्वल टू ईजी, देयरफॉर ट्रायंगल ईडीजी इज इक्वल टू ट्रायंगल ईजीडी। ट्रायंगल ईडीजी, ईडीजी हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आपको, ईडीजी हमारा क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। जब आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड के इक्वल अपोजिट साइड के जो सामने एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, वो इक्वल हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल एफ डी सी, एफ डी सी देखें, ये भी हमारा क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। हमने प्रूफ किया है ऑलरेडी एसी इज इक्वल टू सीएफ, और एसी गिवन था, आपने देखा होगा एसी क्या था, गिवन था, वो किसके इक्वल था, डीसी के। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, FB is equal to FG, clear? FB is equal to FG, ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा इसके सामने ये एंगल, इस साइड के सामने कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा, और इस साइड ये जो साइड है ये एंगल होगा, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, ये होगा, और ये वाला ये स्टीकिंग होगा, समझ में आया क्या? तो लिखेंगे एंगल एफ डी, एंगल एफ डी जी इज इक्वल टू एंगल एफ जी डी, ये हमारे क्लियर है। अब हम इक्वेशन वन और टू को ऐड करते हैं, इक्वेशन वन और टू क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे। हम इसको मिटा रहे हैं, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, तो लेफ्ट साइड एंगल ईडीसी प्लस एंगल एफडीसी, और राइट साइड एंगल ईसीबी प्लस एंगल एफजीबी, दोनों को हम ऐड कर दिया। चलो देखेंगे इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे निकालेंगे, ये बड़ा वाला एंगल और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल, मतलब क्या, एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ, क्लियर हुआ, ई डी जी इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ, मतलब ये एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल जी, क्लियर, और हमने वो लेकिन प्रूफ कर चुका है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, और सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल डी, समझ में आ गया। अब ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, और ये आपस में इक्वल, क्लियर, डर है इसको, देखें हमें एक एंगल इक्वल दिखाना था दोनों एंगल से, और हमने दिखा दिया एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के इक्वल हो गया। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए, अब इंटर एंगल लिखेंगे, इंटर एंगल ए बी सी एंड एंगल ई एफ, जिस एंगल को प्रूफ करना है उसको ले लिया, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये गिवन है, ये प्रूफ किया, और ये गिवन है, इधर है ये गिवन, ये गिवन, ये प्रूफ किया है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल डी एफ किस कंडीशन में, बाय एस ए एस, बाय एस ए एस, और यही हमें प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं। ये तो क्लास सेवन में हमने कंडीशन यूज किया था, अभी प्रूफ करना था, प्रूफ करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो अगर तीन साइड किसी दो ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग तीनों साइड इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, वो कंग्रुएंट होते हैं, डायरेक्टली या मेथड फॉर्मूला यूज करते हैं, तो प्रूफ करना हुआ तो ये मेथड इसको प्रूफ कर देगा, क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एक एंगल इक्वल दिखाना है ताकि हम एस एस की प्रॉपर्टी लगा सके, अगर ए एस लगाना था तो दो एंगल दिखाना होता, फिर उसमें टाइम और लगता, इसलिए एक एंगल ज्यादा अच्छा है, क्लियर है। अभी आते हैं जो सेकेंड है हमारा, यानी लास्ट कंडीशन है किसका, कंग्रुएंसी का लास्ट कंडीशन जो है हमारा क्या है, याद है ना, बताए इसको, ठीक है, इसको आप लिखो जल्दी से, अब आते हैं लास्ट कंडीशन हमारा है आर एच एस 7.4, क्या है हमारा 7.4, 7.4 आप इस स्टेटमेंट ऐसे रीड करोगे, राइट भी करोगे, 7.4 का फेवर है 7.4, स्टेटमेंट लिखोगे आप आर एच एस है ये हमारा राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, स्टेटमेंट लिख लो गया गिवन थिंग्स क्या होता है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल्स राइट एंगल है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है राइट एंगल है, तो क्या होता है वो कंग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले ए बी सी करें, दो ट्रायंगल लेना, दो ट्रायंगल को लाने को वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये
क्लियर है ना। दो ट्रेंगल कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्रेंगल होने चाहिए। इसका नाम से कहते हैं एबीसी। ये याद कैसे लिख रही है, ये हमारा डी ही है, ये हमारा नहीं है। क्लियर। इसका हाइपोटेनस इक्वल है कॉमन साइड, या तो ये साइड या फिर ये साइड, बेस वाला ले रहे हैं ठीक है, बेस की साइड इक्वल है। और जो हमारा हाइपोटेनस है ये भी इक्वल है, ये हो गया हमारा डिफरेंस केस। अब वो भी तो सब कंडीशन है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है इसको। क्लास 7 में कंडीशन था, बट यहाँ प्रूफ करेंगे। अब सोचोगे प्रूफ कैसे करेंगे, तो आपका बेसिक जो है फर्स्ट कंडीशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसका यूज करेंगे और बाकी अगर यूज हो जाए तो उसको भी यूज करेंगे, और उसके थ्रू उसके एंड से हम ये प्रूफ करेंगे क्या ये कंग्रुएंट होता है। जो एंगल ए बी सी कंग्रुएंट एंगल बी है। अब देखो इसमें क्या है, दो साइड तो दिया हुआ है, एक एंगल भी दिया हुआ है, देखो एस ए एस हो सकता है क्या प्रूफ, नहीं। दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, एस ए एस प्रूफ होगा, नहीं होगा, ध्यान रखना है। क्योंकि एस ए एस जो है दोनों साइड के बीच में एंगल बनता है, तो इक्वल साइड उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। इसमें ए एस एस और एस एस ए ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कैसे प्रूफ करोगे आप, करें इसको स्टार्ट करें, कर लोगे आप इसको, इसको आप लोग कर लेगा कि हम करें। इसमें भी सेम पिछले जैसा ही स्टार्ट करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन फिर इसमें करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन सेम वही चीज, हम डी को प्रोड्यूस करेंगे, डी को प्रोड्यूस करेंगे नीचे की तरफ, स्टेटमेंट को इतना प्रोड्यूस करेंगे कि डी ई इज इक्वल टू कहां से करते हैं, डी जी करते हैं, ये जी इसका भी नाम जी करते हैं, प्रोड्यूस करें क्या हो जाए, ये नहीं, एपी इज इक्वल टू जीईजी टू प्रोड्यूस, या फिर प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना है आगे, प्रोड्यूस डी टू जी, डी टू जी सच में ऐसा होना चाहिए कि जो इजी है, इजी इक्वल टू बीबी, इजी इज इक्वल टू एबी, क्लियर है, इजी इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे आप, फिर भाई इसको ज्वाइन कर देंगे किसको, जी टू एस, ज्वाइन जी टू एस, जी को एस से ज्वाइन कर देंगे, ये क्लियर है। कोई डाउट, रेडी, अब देखते हैं प्रूफ। एक ट्रायंगल एबीसी देखिए जरा, एंड ट्रायंगल एबीसी के बाद जीईएफ, अगर ये 90 के लिए हमारा 90 हो G E F, G E का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा बीच
ए बी सी इक्वल टू एंगल जी ई एफ, जी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। और कुछ इक्वल है? यस इक्वल है, क्या इक्वल है देखिए, क्या इक्वल है, बीसी इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है हमारा, बीसी इक्वल टू ई एफ ये गिवन है, बीसी इक्वल टू ई एफ हमारा क्या है, गिवन है। तो देखे जरा दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट ट्रायंगल जीईएफ बाय एस ए एस, जब बाय एस ए एस ये कंग्रुएंट हो जाएगा तो और क्या इक्वल हो जाएगा हमारा, जो पार्ट्स हमारा बीसी इक्वल टू सी हो जाएगा जीएफ, जीएफ ए बाय सीबीसी, ये इसके इक्वल हो गया। सिंस AC इज इक्वल टू DF ये गिवन है, सिंस सिंस AC इज इक्वल टू DF देयरफॉर DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा GF, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, इससे आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब सोचो ये साइड इक्वल हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, क्या दिखाना है, कुछ समझ में आ रहा है क्या सब करने जा रहे हैं, बताओ। ये साइड इसके इक्वल हो गया, जैसे इसके नीचे देखो DF, DF is equal to GF, ये हो गया, इस हो कर दिया, तो जरा देखो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा क्या, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ आप। Therefore, angle EDF is equal to angle EGF, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ, और ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल से, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल से होगा कि नहीं, बाय सिंपलिसिटी एंड एंगल ईजीएफ इज इक्वल टू, ईजीएफ इज इक्वल टू एंगल बीएसी हो जाएगा, बाइसिंपलिसिटी, बाइसिंपलिसिटी से हो जाएगा। तो अगर आप देखें ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल कौन सा एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल ईडीएफ, ईडीएफ। तो अगर आप चाहेंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या दिखा सकते हैं, कंग्रुएंट दिखा सकते हैं, किससे, किससे दिखा सकते हैं, ए एस लगा सकते हैं क्या, एक साइड ए एस भी लग सकता है, यहाँ पे क्या लग सकता है, ए एस, देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये 90 डिग्री है ही, और कोई एक साइड ले लेंगे हम जो इक्वल है, दिखा सकते हैं ए एस से, बिल्कुल दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो अगर चाहो तो आप यही डायरेक्ट दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा सकते हैं, कंग्रुएंट दिखा सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा सकते हैं, कंग्रुएंट दिखा सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, दिखा दोगे, चलो मैं कर देता हूं थोड़ा सा, मैं
बाकी आप एक्सरसाइज ट्राई करेगा, कोई डाउट होने से आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।